हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी चिया सीड्स के बारे में। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, ये वीडियो उनको डेडिकेट मैं कर रही हूँ जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी चिया सीड और तुलसी के बीज के बारे में, कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि चिया सीड और तुलसी का जो बीज होता है वो सेम होता है, बट नहीं, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। चिया सीड्स होते हैं ये एक डिफरेंट थिंग है, और जो तुलसी के बीज होते हैं इनको सब्जा या फिर तुकमलंगा के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है, और ये इजीली अवेलेबल होते हैं। बट चिया सीड्स जो होते हैं वो हर स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा या तो ऑनलाइन देना पड़ता है या तो फिर किसी से मॉल में या बिग बाजार टाइप की इस जगह पर मिल जाता है। तो इनकी मैं न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये लो कैलोरी होता है, तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट फूड हो गया ये। और इसमें होता है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है इसको, इसलिए इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये रहा इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी। और इसकी एक और खासियत होती है कि ये मिंट स्पीसीज़ का होता है, तो और मिंट स्पीसीज़ जो होते, मिंट जो होता है वो जो कीड़े होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं केमिकल फ्री होता है, क्योंकि जब इसका इसकी जिसको इसकी जो उपज होती है विदाउट एनी पेस्टिसाइड, यानी कि इसको यूज इसको जब उगाया जाता है तो इसमें किसी भी तरह के कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है, तो ये एकदम केमिकल फ्री होता है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से हमारी बॉडी के फैट को कम करता है। तो ये जो होता है एक ये जेल फॉर्म में होता है, इसको थोड़ा सा भी आप भिगाएंगे पानी में तो फूल कर खूब अच्छा खासा हो जाता है। सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो, क्योंकि वो शिवांश है वो खेल रहे हैं। तो ये फूल का जेल के फॉर्म में आ जाता है, तो ये कैसे यूज़ किया जाता है मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप पानी के साथ में पीना चाहते हैं तो एक गिलास पानी में एक चम्मच चिया सीड को आप घोलिए, और एक आधा नींबू होता है ना उसको स्क्वीज कर लीजिए इसमें, और इसको घोल लीजिए। इतना नहीं घोलना है कि एकदम से फूल जाए, बस डिजोल्व करके पी जाना है। और अगर आप इसको ब्रेकफास्ट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको रात भर सो करके रखिए। ये सुबह होता ही जेल फॉर्म में हो जाता है, जेल फॉर्म में होने के बाद में चाहे तो इसको शायद दलिया के साथ में, दही के साथ में, या कोई स्मूदी बना लीजिए, प्रोटीन शेक बनाते हैं उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये स्टमक जाने के बाद में जिलेटिन जेल की फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। एक तो इसका ये बहुत हेल्पफुल, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिस भी फूड में फाइबर होगा तो ये वेट लॉस वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसमें फाइबर होता है इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्टमक फिलिंग होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी खा लेंगे ना तो इसको खाने के बाद पेट काफ़ी भरा भरा सा लगता है, जिससे कि काफ़ी देर तक आपको भूख फील नहीं होती है। जब आपको भूख फील नहीं होगी तो आप खाना कम खाओगे, जब खाना कम खाओगे तो ऑब्वियसली वेट आपका लॉस होगा। तो एक ये इसके इसका एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगी, उनके लिए रिकमेंड करूँगी कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो चिया सीड को दिन में कम से कम एक बार ज़रूर यूज़ करें। और अब मैं बात करूंगी कि इसको परचेज़ कहाँ से करना है। एक्चुअली ये जब मैंने लिया था तो ये लोकल शॉप में अवेलेबल नहीं होता है, तो कोशिश करिए कि इसको आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, और या तो फिर आप किसी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर जो होते हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो सकता है। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी, इसको आप सीड के ही फॉर्म में लीजिए, अगर ये पाउडर फॉर्म में मिलता है तो मत लीजिए, हो सकता है किसी भी तरह की कोई मिलावट हो। और हाँ, एक और बात, क्योंकि ये पानी में थोड़ा सा जैसे डाला ना तो ये पानी अच्छा खासा सोक कर लेता है, तो इससे इसको यूज़ करने से ना बॉडी अच्छी खासी हाइड्रेट रहती है, तो गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये बॉडी की जो सूजन बॉडी में चढ़ जाती है उस पर भी कंट्रोल करता है। और आपको स्टोर कैसे करना है, इसको स्टोर करना है आपको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको कर दीजिए, और उसके बाद में फिर इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए, तो काफ़ी दिन तक ये चलता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट आप लोग के जो कमेंट है बहुत वैल्यू करते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए। मिलती हूँ किसी एक और वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।